नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और कंपटीशन कम्युनिटी द्वारा आप सभी छात्रों के लिए वापस से नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के सीरीज को रिज्यूम किया जा रहा है। और आज के इस लेक्चर में हम अप्रैल के पहले हफ्ते के जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर हैं उसे डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा कि अगर आप किससे भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे स्टेट पीसीएस की बात अगर हम करें, पीएससी की बात करें, या फिर हम यूपीएससी की बात करें, तो हर एक एग्जामिनेशन में जहां पर करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस है, उन सभी एग्जाम्स के लिए आप करंट अफेयर्स का तैयारी इन लेक्चर्स के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में कर सकते हैं। तो कंपटीशन कम्युनिटी के इस श्रृंखला से आप जरूर जुड़े, हो सकता है तो दोस्तों तक शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, हमें मोटिवेट करें। और ध्यान रखिएगा कि इस अप्रैल के पहले हफ्ते से अब रेगुलर बेसिस पर आपको नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर की सीरीज जो है लगातार मिलते रहेंगे। और आज 7 अप्रैल तक, यानी कि 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को आज हम यहां पर डील करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक सीजीपीएससी एस्पिरेंट हैं और अगर आप एक अच्छा निबंध की तैयारी करना चाहते हैं, 750 वर्ड में लिखना होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए, कैसे इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कैसे आप अपने बॉडी को अट्रैक्टिव बना सकते हो, कैसे उसे कंक्लूड कर सकते हो, कहां पर वैल्यू एडिशन कर सकते हो, किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो इन सब पर कॉम्पिटिशन कम्युनिटी द्वारा एक कोर्स लॉन्च किया गया ताकि आपको बारीकी से, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आकर्षक तरीके से सिखाया जा सके कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखते हैं। और इसी के लिए इस कोर्स को लॉन्च किया गया है। शुल्क है इसका मात्र ₹1230 और इसमें आपको लगभग 50 घंटे से ज़्यादा के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के एप्लीकेशन पर लाइव और रिकॉर्डेड दोनों अवेलेबल होंगे। यहाँ पर आपको बाइलिंगुअल क्लासेस मिलेंगे, तो आपको पता है कि एसी का जो पेपर होता है बहुत हद तक डायनेमिक टॉपिक्स पे बेस्ड होता है, तो इसलिए इसमें बहुत सारे आपको नवीनतम टॉपिक्स पर पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि आप बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा कर सकें एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए। यहाँ पे 5 टेस्ट भी एसे राइटिंग पर अवेलेबल होगा, टॉपर्स के आंसर शीट भी आपको दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और क्लासेस जो हैं वो 15 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ हमें कॉल कर लें। चलिए वापस से आ जाते हैं अब हम अपने लेक्चर की तरफ और आज का हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, इसरो हमेशा और बार बार हमें प्राउड मूवमेंट फील कराते रहता है और इस बार भी इसरो के द्वारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिशन को लॉन्च किया गया सफलतापूर्वक, और वो मिशन है इसरो का रियूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसे कर्नाटक से हाल ही में लॉन्च किया गया, सफलतापूर्वक इस का परीक्षण किया गया। अब यहां पे एक सवाल आता है कि ये रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है क्या? रियूजेबल लॉन्च व्हीकल कहने का मतलब ये है कि वापस से लॉन्च करने के बाद इसका इस्तेमाल आप वापस से कर सकते हो। जैसे इसरो के द्वारा भी प्रेजेंट टाइम पर हम देखते हैं तो पीएसएलवी यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और या फिर जीएसएलवी, ये दो लॉन्च व्हीकल्स यूज किया जाता है सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। लेकिन अब इसरो प्रयोग कर रहा है रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स पर। अगर ये प्रयोग पूरी तरह से सफल हो जाता है तो आने वाले भविष्य में बहुत ही सस्ती कीमत पर सैटेलाइट लॉन्च किया जा सकता है। हम स्पेस टूरिज्म की बात करते हैं तो स्पेस टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। स्पेस टूरिज्म कहने का मतलब ये है कि हम बहुत जगह घूमने जाते हैं, कई लोग विदेश घूमने जाते हैं, कई लोग कहीं घूमने जाते हैं, उसी तरह से बात होती है अब स्पेस टूरिज्म की। जो लोग सक्षम हैं तो आने वाले समय में वो स्पेस पर भी घूमने जा सकते हैं और वो स्पेस पे तभी घूमने जाएंगे जब रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पूरी तरह से सक्सेसफुली लॉन्च होने लगेगा तब। तो इसीलिए इसरो ने एक यहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है और एक सफलतापूर्वक एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की तरह पर इसे लॉन्च किया है, यानी कि एक इसे प्रदर्शक के तौर पर लॉन्च किया है और आने वाले समय में इसे बड़े लेवल पर लॉन्च किया जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप याद रखिएगा। ये कहां से इसका जो है वो लॉन्च किया गया, तो ये एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज जो कि कर्नाटक में स्थित है, कहां पर? चित्रदुर्ग में यह स्थित है कर्नाटक के, तो यहां से इसे लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहां से लॉन्च किया गया है। इसके अलावा यहां पर कुछ पॉइंट्स और याद रखिएगा, कब लॉन्च किया गया, 2 अप्रैल 2023 को इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अब यहां पे इसका पूरा नाम देखोगे तो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन यानी कि आरएलवी लैक्स था। लैक्स का यहां पर मतलब ये होता है कि अगर किसी रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का जो लैंडिंग स्पीड होता है वो 350 किलोमीटर के आसपास होता है,
इस पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका उद्देश्य अगर हम बात करेंगे कि इसको लॉन्च करने के पीछे का इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ऑब्जेक्टिव यही है ताकि स्पेस टूरिज्म को बढ़ाया जा सके, सैटेलाइट को सस्ती कीमत पे लॉन्च किया जा सके। अगर ये सफलतापूर्वक शुरू हो जाता है तो 80% तक इसकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, जो अभी प्रेजेंट टाइम पर लॉन्च किया जाता है। क्योंकि जैसे ही हम PSLV या GSLV लॉन्च करते हैं तो जो पूरा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है उसे वापस से इस्तेमाल में नहीं किया जा सकता, इसलिए सैटेलाइट लॉन्चिंग का जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है। अब इसे लॉन्च करने के लिए इंडियन एयरफोर्स का चीनूक हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया, जो कि 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे वापस डाउन रेंज की तरफ छोड़ने के लिए इसका यूज किया गया था, और डाउन रेंज जो है वो 4.6 किलोमीटर का था। क्लियर है। अब इसका RLV को 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उतरने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि एक सामान्य अगर वाणिज्यिक जो जेट लाइन होता है उसकी तुलना में ये कम होता है। क्लियर है बात। चलिए अब यहां पे एक सवाल और आता है कि क्या इसरो का ये पहला प्रयोग था? तो नहीं, इससे पहले भी इसरो ने प्रयोग कर रखा है। जैसे हम बात करते हैं मई 2016 में इसरो के द्वारा हाइपरसोनिक फ्लाइट का इस्तेमाल किया गया था। ये भी एक रियूजेबल फ्लाइट था और ये बंगाल की खाड़ी में इसका लैंडिंग कराया गया था, लेकिन ये लैंडिंग ना वर्चुअल रूप से हुआ था, फिजिकली इसका लैंडिंग नहीं हुआ था, इसका लैंडिंग जो है वर्चुअल रूप से हुआ था। तो ये हाइपरसोनिक फ्लाइट के बारे में भी आप याद रखिएगा कि इसका इस्तेमाल पहले भी इसरो द्वारा 2016 में किया जा चुका है। इसरो के जितने भी लॉन्च व्हीकल्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा बार बार पूछा जाता है, तो इसीलिए कौन सा अभी इसरो के द्वारा लॉन्च व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसके अलावा कौन सा ऐसा लॉन्च व्हीकल है जो अभी अंडर डेवलपमेंट है। तो सबसे पहले जो यूज किया जा रहा है उसकी अगर हम बात करें तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हम सभी इसके बारे में जानते हैं, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स इसके बारे में भी हम सभी जानते हैं। इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स Mark 3, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। साउंडिंग रॉकेट भी अभी यूज में किया जाता है, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। अंडर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल्स, ये भी अभी अंडर डेवलपमेंट है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स यानी कि बहुत छोटे छोटे, जैसे कॉलेज में बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल करते हैं या छोटे देश के छोटे सैटेलाइट्स होते हैं, तो उन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए भी यहाँ पे उसकी कॉस्टिंग कट करने के लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का यहाँ पे निर्माण किया जा रहा, अंडर डेवलपमेंट है। और इसके अलावा जिस टॉपिक पर अभी हमने पढ़ा वो है रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। डेमोन्स्ट्रेटर का मतलब होता है प्रदर्शक, प्रदर्शक का मतलब कि ये छोटे लेवल पर अभी इसका प्रयोग किया जा रहा है, बाद में इसे बड़े लेवल पर प्रयोग किया जाएगा या फिर इसका यूज किया जाएगा। तो इस तरह से आप इतने सारे लॉन्च व्हीकल्स इसरो के जो हैं उसके बारे में जान सकते हैं। चलिए ये टॉपिक हो गया। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत सरकार ने हाल ही में अपनी नई विदेश व्यापार नीति यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लॉन्च किया है। इससे पहले फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लॉन्च किया गया था कौन से साल में? याद रखिएगा 2015 में। और ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कब तक के लिए था? 2019 और 20 के लिए था। इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2019 और 20 के अगर इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें टारगेट रखा गया था $900 बिलियन का निर्यात करने का यानी कि एक्सपोर्ट करने का, लेकिन इस $900 बिलियन के अगेंस्ट हमने कितना एक्सपोर्ट किया? तो हमने लगभग $526 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। अब 19-20 तक ये टारगेट था, चूंकि इस समय में महामारी का भी दौर आया तो एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा प्रभाव डाला, लेकिन अब ये जो 19 और 20 का टारगेट था इसे बढ़ाकर 2023 तक के लिए कर दिया गया, जो $900 बिलियन का हमने टारगेट रखा था। ये तो हो गई पुरानी बात, और ये हो गई थोड़ी सी इसकी बेसिक चीजें। 2015 में 15 का जो फॉरेन पॉलिसी ट्रेड पॉलिसी था उसे चेंज करके 2023 में जो है वो रिवाइज किया गया है। अब यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स को जो 2023 में लॉन्च किया गया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उस पर नजर डाल लो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 2030 तक एक्सपोर्ट का जो टारगेट रखा गया है वो $2 ट्रिलियन का है,
ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे फ्रेमवर्क पे भी बात किया गया ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद स्टेट लेवल पे, उसके बाद कंट्री लेवल पे छोटे छोटे व्यापारी बाहर एक्सपोर्ट कर सके, अपने व्यापार को बढ़ा सके। इसके लिए यहाँ पे एक सिंगल विंडो सिस्टम की बात की गई है ताकि पेपर वर्क जो है वो बहुत सारे एक्सपोर्ट्स में जो पेपर वर्क होता है या फिर बहुत सारे जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स होते हैं इन सब से को सॉल्व करके एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाए। तो ये सारी बातें जो हैं किस में किया गया है, 2023 के ट्रेड पॉलिसी में किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर आप किसी चीज़ का एक्सपोर्ट करते हैं भारत से और अगर आपका वो एक्सपोर्ट लॉस में चले जाता है तो यहाँ पे आपको इंसेंटिव भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उस पर भी आपको प्रॉफिट पर भी इंसेंटिव जो है यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। हो सकता है छोटे लेवल पर आपको टैक्स में भी छूट दिया जाए। ये सारी बातें किस में की गई है, ट्रेड पॉलिसी जो लॉन्च किया गया हाल ही में, कब, 2023 का। अब यहाँ पर देन लेन में जो प्रॉब्लम्स आते थे उसे भी डिजिटलाइज फॉर्म में पूरी तरह से किया जाएगा, तो इसमें भी ई पहल की शुरुआत की जा रही है। इसके अलावा अगर जैसे इसमें देखोगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कंट्रीज के साथ में यहाँ पर डील किया जाएगा, विभिन्न कंट्रीज के साथ में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर किया जाएगा। बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि ट्रेड को बढ़ाने के लिए जितना ज़्यादा हो सके मैन्युफैक्चर सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट किया जा सके, इस पर भी यहाँ पर बात की गई है। क्लियर है, तो याद रखिएगा जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 का लॉन्च किया गया है हाल ही में, 2015 को इसने रिप्लेस किया है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2030 तक $2 trillion एक्सपोर्ट करने का टारगेट गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है। इसके बहुत सारे पिलर्स हैं, मुख्य रूप से चार पिलर्स हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, डिस्ट्रिक्ट लेवल से कंट्री लेवल तक यानी कि देश लेवल तक एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए उन्हें किस प्रकार से सहायता की आवश्यकता है, इंसेंटिव अगर देना है तो किस प्रकार से देना, कर में छूट देना तो किस प्रकार से देना, सिंगल विंडो सिस्टम उपलब्ध कराया जा सकता है, इन सारी बातों पे वहाँ पे चर्चा किया गया। 2015 का फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा, टारगेट रखा गया था $900 billion एक्सपोर्ट करने का, लेकिन 19-20 तक हमने अचीव किया $526 billion, उसे बढ़ाकर $900 billion था उसे बढ़ाकर कर दिया गया, 2023 तक का टारगेट रख दिया गया। तो इतने कुछ पॉइंट्स को याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए रिवीजन भी करा दे रहा हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को जो है वो समझ पाएं। और देखिए मैंने शुरू में भी बोला था कि हम जब करंट अफेयर पढ़ेंगे तो शॉर्टकट में नहीं पढ़ेंगे, हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे ताकि आप हर जगह पर इसका इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि आजकल आप हम देखते हैं कि क्वेश्चंस जो हैं वो सिंगल स्टेटमेंट में नहीं होते, क्वेश्चंस मल्टीपल स्टेटमेंट में आते हैं, वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसके लिए आपको हर पॉइंट पे ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए कभी भी शॉर्टकट तरीका ना अपनाएं, हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव वे में चलें। क्लियर है, चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है हम बात करते हैं अटल इनोवेशन मिशन की। हम बार बार अटल इनोवेशन मिशन के बारे में पढ़ते हैं या फिर पढ़ते आए हैं, फिर से अटल इनोवेशन मिशन के लिए एक अपडेट है जिसे आप अपडेट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है या कई बार पूछा गया है कि अटल इनोवेशन मिशन है क्या, यानी कि अटल नवाचार मिशन है क्या, इसे किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो इसे शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो सबसे पहला पॉइंट आपसे यही पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा शुरू किया गया, तो नीति आयोग याद रखिएगा। अब अटल इनोवेशन मिशन के तहत अपडेट यह है कि भारत ने युवाओं के बीच जो इनोवेशन है उसे और क्रिएटिव करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए 3 नए रिसोर्सेज को यहां पर लॉन्च किया गया है। ये 3 नए रिसोर्सेज क्या है, तो यहां पे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, उसके कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, यूथ में एंटरप्रेन्योरशिप को उनके कल्चर को बूस्ट करने के लिए यहां पर ध्यान दिया गया है। अटल इनोवेशन मिशन ने 2023 और 24 के लिए अटल टिंकरिंग जो लैब है जो स्कूल्स लेवल पे ओपन किया गया है उसका पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस जो है जो मैनुअल होता है उसे पहले से ही डिसाइड किया जाएगा ताकि बच्चों को पता चल सके कि किस तरह से हमें इस इनोवेशन मिशन के तहत में पाठ्यक्रम के माध्यम से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहा है, कब मिल रहा है, कब कौन सा प्रोग्राम होगा, सारा चीज़ उन्हें पहले से पता चल सके। और इसके अलावा यहाँ पर उपकरण मैनुअल और गतिविधियों का कैलेंडर भी पेश किया जाएगा कि पूरे साल भर में अटल इनोवेशन मिशन के तहत आप एंटरप्रेन्योर बनने के लिए यहां पर सारी चीजों को किन किन चीजों को आपको जरूरत पड़ सकता हो सारा कैलेंडर तैयार किया जाएगा और आपको यहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा।
क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अटल इनोवेशन मिशन के बारे में भी जान लें। अब जैसे अटल इनोवेशन मिशन हमने बोला कि नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था, अब नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन शुरू करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो इसका सिंपल सा उद्देश्य है नवाचार को बढ़ावा देना। अगर मैं सिंगल शब्दों में कहूँ तो नवाचार को बढ़ावा देना, वो भी क्रिएटिविटी के साथ में, ताकि हमारा देश का जो यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सके। बहुत सारे हमारे कंट्रीज में एंटरप्रेन्योर हैं, जैसे एग्जांपल देख लो रितेश अग्रवाल ओयो के फाउंडर, इसके अलावा हम प्रफुल्ल बिल्लोरे की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप हैं जो सामने आए। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए क्या है, अटल इनोवेशन मिशन। अब इसके कुछ पिलर्स की अगर हम बात करें या इसके कुछ पैमाने की बात करें, तो पहला है ATL टिंकरिंग पाठ्यशाला। ये एक शिक्षण मार्ग है जो कि स्कूलों में एक लैब के माध्यम से बच्चों को प्रोवाइड कराया जाता है। उपकरण नियमावली यानी कि इक्विपमेंट्स मैनुअल देश भर के स्कूलों में अटल टेक्निक लैब में प्रदान किए गए उपकरणों के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है, यानी कि अलग अलग उपकरण उन्हें प्रदान किए जाते हैं। उपकरण कहने का मतलब है कि अलग अलग सॉफ्टवेयर दिए जाते हैं, अलग अलग कोर्सेज दिए जाते हैं, ताकि वो सीख सकें इनोवेशन के बारे में कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप को शुरू किया जा सकता है, उनके कल्चर को समझने के लिए प्रोवाइड कराया जाता है। और 2023 और 24 के गतिविधियों का कैलेंडर, यानी कि पूरा एक कैलेंडर दे दिया जाता है और सब कुछ बताया जाता है कि कैसे ये शुरू हो सकता है। तो ये इसके जो तीन रिसोर्सेज हैं वो इस प्रकार से हैं, ध्यान रखिएगा। और ये इसके अटल इनोवेशन मिशन के यहाँ पे कुछ पैमाने हैं, इस पैमाने को भी आप नोट कर लीजिएगा। जैसे मैंने बताया अटल टिंकरिंग लैब्स जो स्कूल लेवल्स पे ओपन किए जाते हैं, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्टैब्लिश इंक्यूबेशन सेंटर, ये सब सारे जितने भी पैमाने हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, कुछ स्कूल्स लेवल पे हैं, तो इन सारे बातों पे आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है भारतीय युवाओं को सशक्त बनाने के लिए, तो इसके जो यहाँ पे सारे पैमाने हैं, जैसे पहला पैमाना यहाँ पे, जैसे वहाँ पे मैंने बताया अटल टिंकरिंग लैब्स हो गया, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हो गया, अटल न्यू इंडिया चैलेंज हो गया, यहाँ पर मेंटर इंडिया कैंपेन हो गया, और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। तो अटल इनोवेशन मिशन के तहत हमारे देश में युवाओं के बीच में एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर डेवलप करने के लिए शुरू किया गया है, और हमेशा बीच बीच में इसे अपडेट किया जाता है। तो जितने भी पॉइंट्स हैं वो अटल इनोवेशन मिशन के बारे में आप याद रखिएगा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बेसिक मात्र का पढ़ना लिखना भी नहीं आता। इसीलिए यानी कि अगर एक विकासशील देश को विकसित देश बनना है, अगर हमारे देश का निर्माण बेहतर तरीके से करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम से कम साक्षर तो ज़रूर हों। और इसी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। यानी कि जिनकी उम्र 15 वर्ष से अधिक है, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, वो इस प्रोग्राम के तहत कवर होंगे और उन्हें लिखना और पढ़ना सिखाया जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है, जैसे कि यह योजना गैर साक्षरों यानी कि जो बिल्कुल लिटरेट नहीं है, जो लिख पढ़ नहीं सकते, उनके लिए ये है। और यहाँ पर आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक सशक्त कदम भारत सरकार का माना जा रहा है। अब इसके लिए जो बजट का प्रोविजन किया गया है वो याद रखिएगा 1037.90 करोड़ रुपए बजट का प्रोविजन रखा गया। कुछ कुछ इसके की पॉइंट्स है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये जो बजट है वो 5 सालों के लिए रखा गया है। अब यहाँ पे बजट में जो सेंट्रल फंडिंग होगा, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, वो 700 करोड़ रुपये का रहेगा, और बाकी 337.90 करोड़ वो स्टेट खर्च करेगी, यानी कि इस प्रोग्राम के तहत में। और जैसे मैंने आपको बताया कि यह योजना 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लगभग 5 करोड़ निःसक्षर यानी कि जो एकदम भी पढ़ लिख नहीं सकते, उन्हें लिटरेट करने का काम करेगा यह प्रोग्राम। याद रखिएगा हर जगह पे यह टॉपिक काम आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगला, हम बार बार इस पर चर्चा करते हैं, बार बार कई बार खबरों में हमने इसके बारे में पढ़ा है, लिथियम। लिथियम क्या है? हमने तो केमिस्ट्री में पढ़ा है लिथियम को हम डिनोट जो है वो Li से करते हैं। लिथियम को हम ये भी जानते हैं कि आज के टाइम पर इसे वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। हमने ब्लैक गोल्ड के बारे में सुना है, हमने ग्रीन गोल्ड के बारे में भी सुना है, लेकिन लिथियम को वाइट गोल्ड कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि
ये जो है अभी जितने भी हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करते हैं, मोबाइल फोन्स की बात करते हैं, या फिर जितने भी चार्जेबल बैटरी का इस्तेमाल जहां भी होता है वहां लिथियम का उपयोग किया जाता है। तो सोच सकते हो कि आने वाले समय में लिथियम का प्रयोग जो है वो कितने बड़े लेवल पे होने वाला है और लिथियम की डिमांड कितने बड़े लेवल पर होने वाला है, क्योंकि आज के टाइम पर इंडिया लिथियम पूरी तरह से इंपोर्ट करने पर डिपेंडेंट है और बहुत हद तक चाइना पर डिपेंड है इंडिया लिथियम के मामले में। अब न्यूज में इसीलिए है क्योंकि लिथियम के क्षेत्र में भारत और चिली साथ मिलकर काम करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि चिली के साथ में भारत मिलकर काम करने वाला है, इंपॉर्टेंट इससे जो पॉइंट निकलकर हमारे सामने आते हैं वो है, क्या पॉइंट्स निकलकर आते हैं, जैसे ये तो हो गया कि चिली भारत के साथ में लिथियम पर कार्य करने के लिए साझेदारी करना चाहता है। अब यहां पर एक चीज हम बात कर लेते हैं कि चिली ही क्यों, तो चिली है दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार रखने वाला देश। यहां पे आप देखोगे प्रोडक्शन और रिजर्व, सबसे ज्यादा लिथियम का प्रोडक्शन कौन सा कंट्री आज के टाइम पर कर रहा है और सबसे ज्यादा रिजर्व कौन से कंट्री के पास में है, यह हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम आगे चीजों को समझ सकते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें तो चिली के पास में रिजर्व सबसे ज्यादा है, यह रिजर्व कितना है 48% टोटल ग्लोबल रिजर्व का चिली के पास में रिजर्व है। उसके बाद नंबर आ जाता है ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद नंबर आता है अर्जेंटीना का, जिम्बाब्वे, पुर्तगाल, ब्राजील, नामीबिया और यूएसए का। लेकिन अगर हम इसके अगेंस्ट प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा लिथियम का प्रोडक्शन यहां पर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाता है, फिर चिली, फिर चाइना, फिर अर्जेंटीना, जिम्बाब्वे, पुर्तगाल, ब्राजील, नामीबिया और यूएसए। तो आने वाले समय में समझ रहे हो ना कि लिथियम का जो डिमांड है वो किस कदर बढ़ने वाला है। अब हाल ही में हमारे देश में भी बहुत बड़ा भंडार लिथियम का मिला है, कौन से राज्य में, जम्मू कश्मीर में। लेकिन ये देख लो कि चिली का जो विशाल भंडार है वो कहां पर है, सालारडी आटाकामा में है स्थित है, जो कि चिली के उपस्थित एक बड़ा नमक का मैदान भी इसे कहा जाता है। चिली का अगर हम लोकेशन मैप में देख लें, क्योंकि चिली का अगर हम चिली के बारे में पढ़ रहे हैं, उससे हम डील कर रहे हैं, तो इसका लोकेशन हमें पता होना चाहिए। ये है आपका साउथ अमेरिका और ये आपका साउथ वेस्ट में ये है आपका चिली और ये साउथ पैसिफिक से लगा हुआ कंट्री है। क्लियर है बात। चलिए अब हम इंडिया के यहाँ पर भंडार के बारे में भी देख लेते हैं कि ये आखिर मिला क्या है। तो लिथियम का इंडिया में भंडार मिला है जम्मू एंड कश्मीर में और ये भंडार लगभग आपका 5.5 मिलियन टन से ज़्यादा का है। तो जो भारत दूसरे पे डिपेंडेंट लिथियम के लिए है और आगे आने वाले समय में हो सकता था, अब अपनी ज़रूरत पूरा खुद कर सकता है। इससे पहले लगभग 14 से 11 मिलियन टन का रिजर्व कर्नाटक में भी मिला है, छत्तीसगढ़ में भी लिथियम के बहुत सारे भंडार होने का पता चला है। तो हमारे पास भी लिथियम के अच्छे खासे भंडार मिले हैं और इसमें से अनुमान लगाया जा रहा है कि लिथियम का हिंदुस्तान में भंडार जो है बिहार में बहुत ज़्यादा हो सकता है, छत्तीसगढ़ में हो सकता है, झारखंड में हो सकता है, यानी कि जो नागपुर पठार वाला बेल्ट है वहाँ पर लिथियम का भंडार होने का बहुत ज़्यादा जो है उसे हो सकता है। अब लिथियम की अगर हम बात करें तो इसे हम डोनेट करते हैं एलआई से, यह एक नरम धातु है, याद रखिएगा नरम धातु है जो सिल्वर की तरह वाइट दिखता है और इसे हम वाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ यहां पर हम बढ़ जाते हैं। तो अगला टॉपिक है समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2023 और यह समुद्री अभ्यास भारत कौन से देश के साथ में मिलकर करता है। तो सबसे पहला यही पॉइंट याद रखिएगा कि यह एक वार्षिक समुद्री अभ्यास है, यानी कि हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। भारत श्रीलंका के साथ मिलकर यह द्विपक्षीय यानी कि बायलेटरल समुद्री अभ्यास करता है। इस साल का यह 10वां संस्करण था याद रखिएगा और इस बार दो चरणों में इसका आयोजन किया गया। पहला चरण 3 से 5 अप्रैल तक आयोजित किया गया, जिसे हम पोर्ट चरण कहते हैं, यानी कि बंदरगाह पर कहते हैं, यानी कि इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया, श्रीलंका में किया गया। इसके बाद 6 से 8 अप्रैल तक इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, श्रीलंका के ही कोलंबो में समुद्री चरण होगा, यानी कि पहले एक तो समुद्र के तट पर होगा और उसके बाद समुद्र पे होगा दूसरा चरण। चलिए ये तो हो गया सिलिनेक्स 2023 के बारे में। कुछ समुद्री अभ्यास के बारे में आपको और यहाँ पर याद रखना है, जैसे मालाबार की अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट मैं समुद्री अभ्यास की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जैसे अगर हम यहाँ पर मालाबार की बात करें तो मालाबार समुद्री अभ्यास
किनके किनके बीच में आयोजित किया जाता है, तो चार देशों के मध्य मालाबार का आयोजन किया जाता है, और यह सबसे बड़ा आप इसे समुद्री अभ्यास कह सकते हो, जो भारत भी इसमें शामिल है। तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चार कंट्रीज हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वरुणा, तो ये समुद्र अभ्यास भारत किसके साथ में करता है, भारत और फ्रांस मिलकर इसे कंडक्ट करता है। इसके अलावा हम बात करें जीमैक्स, ये समुद्री अभ्यास भारत और जापान साथ मिलकर करते हैं। इसके अलावा और समुद्री अभ्यास कौन सा है, कुंकड़, ये समुद्री अभ्यास किसके साथ में मिलकर किया जाता है, कुंकड़ शक्ति, तो ये किया जाता है भारत और यूनाइटेड किंगडम, ये कंट्रीज मिलकर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट समुद्री अभ्यास के बारे में भी याद रखिएगा। सिमिक्स का अगर हम पिछला संस्करण बात करें तो इंडिया के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। क्लियर है। चलिए यहाँ पे एक आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि भारत के दो महत्वपूर्ण उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है। GI टैग का मतलब होता है जियोलॉजिकल इंडिकेटर, यानी कि भौगोलिक संकेतक। ये उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए जियोलॉजिकल इंडिकेटर दिया जाता है। जब किसी प्रोडक्ट को जियोलॉजिकल इंडिकेटर दिया जाता है तो उसे अलग से प्रोटेक्शन प्राप्त होता है, यानी कि सबसे पहले अगर वो किसी संस्था या किसी व्यक्तिगत इंसान का वो प्रोडक्ट है तो उसे पेटेंट मिल जाता है, यानी कि उसका कोई डुप्लीकेट नहीं बना सकता। जब किसी प्रोडक्ट को जियोलॉजिकल इंडिकेटर मिल जाता है, यानी कि GI टैग मिल जाता है, तो उसकी डिमांड, उसकी वैल्यू विदेशों में बढ़ जाता है, उसका आयात निर्यात बढ़ जाता है, और इसीलिए उसे संरक्षण प्रदान करने के लिए जो प्रोडक्ट किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा फेमस होता है उसे GI टैग दिया जाता है। क्लियर बात है। और यह दिया जाता है भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के तहत, जो भी पंजीकृत उत्पाद है उस पर। ठीक है, तो अभी हाल ही में किसे दिया गया है, तो एक है लद्दाख की लकड़ी की बनाई हुई नक्काशी, जो इस तरह से देख सकते हैं, और दूसरा है बनारसी पान। आप हर शहर, छोटे बड़े शहर में चले जाओ, बनारसी पान के ठेले आपको मिल जाएंगे, दुकान मिल जाएंगे, लेकिन बनारसी पान का GI टैग मिलने के बाद अगर वो किसी का पेटेंट है, किसी संस्था का है, किसी व्यक्ति का है, तो उसका कॉपी आप कहीं नहीं कर सकते, यानी क्योंकि उसे अब GI टैग, यानी कि उसे अब संरक्षण प्राप्त हो चुका है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पर जियोलॉजिकल इंडिकेटर से रिलेटेड याद रख सकते हैं। जैसे पहला, इसकी अगर हम वैलिडिटी की बात करें तो इसका जो वैलिडिटी है वो 10 साल का होता है, और 10 साल के बाद इस प्रोडक्ट का वैलिडिटी 10 साल के लिए और भी बढ़ाया जा सकता है, और उसके 10 साल के बाद भी बढ़ाया जा सकता है, अगर उस संस्था को यह जरूरी महसूस होता है तो। यह पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा पेरिस कन्वेंशन के बारे में। पेरिस कन्वेंशन का आर्टिकल है कौन सा, आर्टिकल 1, 2 और 10, और इस आर्टिकल के तहत में जिस प्रोडक्ट को जियोलॉजिकल इंडिकेटर दिया गया है उसे बौद्धिक संपदा अधिकारों से भी संरक्षण प्राप्त है। बौद्धिक संपदा अधिकारों से संरक्षण प्राप्त है, कहने का यह मतलब है कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी कि किसी संस्था या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का वो प्रॉपर्टी है, अब उसका उस पर पेटेंट है। ये आपका पेरिस कन्वेंशन भी कहता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी मान चुका है कि GI जो है, यानी कि भौगोलिक संकेतक जो है, वो बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्गत है। तो ये कुछ GI टैग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। तो ये था हमारा 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक के जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, सारे हमने डील किया। इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, हो सके तो लाइक कीजिएगा, रेगुलर बेसिस पे हम इसे डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर से हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, आपसे भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आप भी वहाँ पर जवाब दें, ताकि हम और आप मिलकर साथ में प्रिपरेशन करें, और अगर कुछ सुझाव है तो भी आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।